इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि सिवान जेल में एक कैदी की, जैसा कि उनके घर परिवारजनों को ने आरोप लगाया है कि उनकी पीटने से उनकी मौत हो चुकी है। मामला जिले के जीवी नगर तरवारा का है जो कि गुलबर्गा गांव का है, और जो कैदी थे उनका नाम वाल्मीकि यादव बताया जा रहा है, जिनकी गिरफ्तारी 12 जुलाई को होती है शराब पीने के मामले में, जिसमें पुलिस की तरफ से उनसे 50,000 रुपये की मांग की जाती है। परिवार वालों का कहना है कि हमने 30,000 रुपये दे दिए और 20,000 नहीं दिए, तो उनका चालान कर दिया गया सिवान जेल, और उसके बाद से वहीं पे उनको पीट पीट करके मार दिया गया। वहीं उन्होंने बताया कि इनके इलाज की जरूरत थी, जो कि प्रशासन ने इनका इलाज नहीं करा और बताया कि तुम्हारे बाप का जेल नहीं है, जो कि हम इलाज करा दें। आइए सुनते हैं क्या इनके घर वालों का कहना है, जो कि क्या आरोप लगाते हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर लगा रहे हैं। तमाम जानकारी आप आइए सीधे आपको हम दिखाते हैं। सर, बात यह है कि 12 तारीख को थाना जीपी नगर उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद 50,000 रुपये का डिमांड किया गया, वो थोड़ा शराब पिए हुए थे। उसके बाद 30,000 रुपये वो लोग ले लिए, 20,000 नहीं देने के कारण जेल में उनको भेजा गया। उसके बाद जेल में उनका थोड़ा सा तबीयत ही हो गई, तो पुलिस प्रशासन से बोला कि हमारा इलाज कराओ, हमारा तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उसके बाद कहा कि तुम्हारा बाप का घर है कि मैं इलाज कराऊं, जो जेल अधिकारी जो है। उसके बाद उसको इतना लाठी से पीटा गया, वो मेरे पास वीडियो है, कहिए तो आपके मोबाइल पे मैं भेज दूँ, या बॉडी है वहाँ पर, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आज जितना भी मीडिया चैनल वाला जो आया है, अदर हो, जो शिव नरेश है कि राम नरेश कौन है, वो लिखा है कि इलाज के दौरान मौत हो गई, तेरी माँ का भोसड़ा हो गई। मैं खुलियाम कहता हूँ, हमसे आकर पूछे वो क्यों लिखा, मैं ये बात जानना चाहता हूँ। हम भी यादव है, वो भी यादव है, लेकिन ये बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों लिखा कि इलाज के दौरान मौत हो गई, वो ये क्यों नहीं लिखा। जितना भी चड्डी पड्डी का पुलिस है, सब सलाह एक ही है। आइए, और श्रीनिवास यादव के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम श्रीनिवास यादव छोटा आदमी है, उसका बात तो मत कीजिए आप। वो न्यूज दिखाए कि आप बोलिए, आपका सहायता करूंगा मैं, आपको दिखाइए उसका न्यूज। वो लिखा है कि इलाज के दौरान मौत हो गई, वो क्यों लिखा मैं आपसे दिखाऊंगा, आप देखिए। आपसे मैं झूठा नहीं ना बोलूंगा। मान लीजिए आप चैनल में आपने बोला कि आपका मैं समस्या सुना रहा हूँ, आपने क्या समस्या सुनाया? आप पढ़िए ना, पढ़िए आप, ये श्रीनिवास क्या ही न्यूज है, आप पढ़िए। तो श्रीनिवास यादव जो आपसे बोले थे, वो बात नहीं हुआ भाई, जो बोले वो बात पलट दिए। वो बोले कि आपका समस्या को सुना जाएगा, लेकिन मेरा समस्या को नहीं सुना गया। वो प्रशासन से पैसा लिया, वो घुसखोर मीडिया है, उसका बात मत कीजिए। लोग जो हम कह रहे हैं वही आप सुनिए। आप लिखिए, आप देखिए, पढ़े हैं ना क्या लिखा है। सिवान सदर अस्पताल में इलाज के क्रम में एक कैदी की मौत। इलाज के क्रम में रिपोर्टिंग ये नहीं किया कि सिवान सदर अस्पताल में एक कैदी को लाठी से मारने के दौरान मौत हो गई, किसी ने नहीं दिखाया। तो आइए, आज हम पहुंचे हैं पोस्टमार्टम घर के पास, जहाँ पे आज उनके गाँव के सारे आदमी पहुँचे हुए हैं।